हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 8 और 9 जुलाई की प्रीलिम्स अपडेट सीरीज में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू, पीआईबी, न्यूज़ ऑन एयर की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं आज की हमारी डिस्कशन की तरफ। सबसे पहले जो आज न्यूज़ आई है वो आई है एनजीटी के बारे में। तो इसके बारे में हम बेसिक चीज़ें जान लेते हैं जो हमें यूपीएससी वगैरह बेसिकली यहाँ पे एग्जाम में पूछ सकती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉडी हो जाती है। कंटेक्स्ट क्या है तो वो देखते हैं। कंटेक्स्ट ये है कि जस्टिस आदर्श कुमार हैं, उनको एक्चुअली अभी चेयरपर्सन के तौर पे अपॉइंट किया गया है एनजीटी का। तो ये हमें ध्यान रखना है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के चेयरमैन की बात यहाँ पे की जा रही है। तो बॉडी के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात यह है कि एनजीटी स्टेचुरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, कौन सी है, क्या है। देखो, एनजीटी है वो एक स्टेचुरी एक्ट बॉडी है जो कि पार्लियामेंट का एकटा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 उसके तहत इसका निर्माण है वो किया गया था। और एक इंपॉर्टेंट फीचर की बात इसकी है कि ऐसा नहीं है कि पूरे वर्ल्ड में पहली एक इन्वायरमेंट के लिए ऐसी बॉडी बनाई गई है ऐसा ट्रिब्यूनल। इससे पहले भी ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज़ में ऐसा ट्रिब्यूनल है वो ऑलरेडी बनाया गया। तो यूपीएससी इसके बारे में पूछ सकती है। काम क्या है इसका? इसका काम यह है कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड जो कंजर्वेशन है उसके ऊपर ये फोकस करते हैं मेनली। मतलब इन्वायरमेंट से संबंधित जो भी केसेस वगैरह होते हैं उनसे डील करने का काम एनजीटी है वो करती है। देखो, पहली एक चीज़ और बताता हूँ आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कि ट्रिब्यूनल होते क्या हैं। ट्रिब्यूनल मेनली वो होते हैं जिनके पास एक तरीके से कोर्ट की तरह भी पावर होती है और उनके पास सिविल कोर्ट वाले दोनों तरह की पावर आप एक तरीके से बोल सकते हो। मतलब कोर्ट जैसी ही पावर होती है एक तरीके से। तो मतलब ऐसा नहीं कि वो किसी को सज़ा दे सकते हैं बहुत ज़्यादा लंबे टाइम की, जैसे कि मृत्युदंड वगैरह, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। बट कोर्ट की तरह वो सज़ा सुना सकती हैं, हर्जाना वगैरह वो भराने के लिए कह सकते हैं कि हाँ भाई आप कंपनसेशन दो, हाँ मुआवजा दो। और इसकी बातें भी बाइंडिंग होती हैं। अगर कोर्ट के जो ग्रीन ट्रिब्यूनल होते हैं, अगर इसकी या ट्रिब्यूनल ले लो आप कोई भी, अगर उनकी बात जो भी पर्सन या विक्टिम वो नहीं मानते हैं तो उस कंडीशन में या तो उनको सुप्रीम कोर्ट जाना होता है, क्योंकि हाई कोर्ट वगैरह से रिलेटेड केस उनका फिर नहीं होता है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है वो देख लेते हैं। देखो, जो हमारे नॉर्मल जो कोर्ट होते हैं जैसे कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या फिर आप बोल सकते हो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह, ये तो काम करते हैं कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के तहत। हमारे देश में कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड है जो कि आपको पता है अंग्रेज़ों के द्वारा बनाई गई थी, उसके तहत ये काम पे करती हैं। जबकि एनजीटी है वो करती है नेचुरल जस्टिस पे, मतलब जो रियल में देखा है उसके आधार पे। इसमें गवाह वगैरह का ऐसा सीन नहीं है कि हाँ भी गवाही चाहिए, नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल पे एनजीटी है वो काम करती है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। इसके साथ अहम बात यह है कि टाइम की, कि भाई एक केस जब फाइल किया जाता है तो कितना का टाइम लिमिट होती है। देखो, एनजीटी में कोई भी जब केस फाइल किया जाता है तो उसको विद इन 6 मंथ है वो कंप्लीट करना होता है, इसके अंदर उसका सॉल्यूशन है वो लेके आना होता है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। जैसे कि एक्ट वगैरह मैंने आपको यहाँ पे बता दी है कि इन्वायरमेंट के एक्ट के लिए बेसिकली काम है वो करती है इन्वायरमेंट से संबंधित जो भी केसेस वगैरह हो, क्योंकि आप जानते हो कि हमारे कोर्ट में काफ़ी सारे केसेस पेंडिंग हैं। अब बेचारे सारे ही कोर्ट अगर केसेस कोर्ट के ऊपर जाएंगे तो कोर्ट काम नहीं कर पाएगी, इसलिए अलग से ट्रिब्यूनल बना दिया गया ताकि कोर्ट का ऊपर जो बर्डन है हाई कोर्ट वगैरह का वो यहाँ पे खत्म हो सके। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ और बनती है, वो हमारे लिए वो बनती है इसके मेंबर के बारे में। तो देखो, इसमें दो तरह के मेंबर होते हैं, एक तो होते हैं इसके अंदर एक्सपर्ट मेंबर और एक होते हैं इसमें जुडिशियल मेंबर। 10 तो होते हैं इसमें एक्सपर्ट मेंबर और 10 ही इसमें होते हैं जुडिशियल मेंबर। तो ऐसा कुछ सीन इसमें होता है कि 10-10 ही मेंबर होते हैं। चेयरपर्सन होते हैं वो एक्चुअली आपको जाना है कि मतलब रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होते हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज। ध्यान से सुनना, चेयरपर्सन वो हो सकते हैं या तो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, मतलब या तो चीफ जस्टिस के रिटायर होते हैं जो चीफ जज वो हो सकते हैं इसके चेयरपर्सन, या फिर हो सकते हैं जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ही ध्यान रखना, ये सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज है वो इसका चेयरपर्सन हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए यहाँ पे कोई बाइंडिंग सीन नहीं है कि भाई वहाँ पे भी वो रिटायर वगैरह होने चाहिए नहीं होने चाहिए। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, इसके बारे में बेसिक ये यूपीएससी यहाँ पे घुमा फिरा सकती है। फिर आगे बात आती है सिलेक्शन कमेटी की, सिलेक्शन कमेटी है उसके द्वारा रिव्यू वगैरह। तो ये सब इतना ध्यान रखने की आपको कोई जरूरत है वो नहीं है। एक्सपर्ट मेंबर हैं वो या तो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं नॉर्मली कि उनको किसी एडिशनल एरिया में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वगैरह हो, तो एक्सपर्ट होते हैं मतलब वो अपने एरिया में, उसके आधार पर उनको वहाँ पे अपॉइंट है वो किया जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखने के 10 एक्सपर्ट मेंबर होते हैं, 10 जुडिशियल मेंबर होते हैं। जुडिशियल मेंबर हैं ऑब्वियसली वो जुडिशरी से आएंगे और 10 मेंबर एक्सपर्ट हैं, वो अपने एरिया में नॉलेज वगैरह को काफ़ी अच्छा। तो ये यहाँ पर चीज़ हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट जो अगली न्यूज है वो आई है NBWL का रिकवरी प्रोग्राम फॉर क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज है क्या। NBWL का मतलब है नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ है, इसका एक रिकवरी प्रोग्राम था जिसका नाम है क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज। इस प्रोग्राम के तहत हुआ क्या है कि 4 स्पीसीज को ऐड किया गया है प्रोटेक्शन के लिए। कौन कौन सी स्पीसीज हैं? एक तो है नॉर्दर्न रिवर टेरपिन। ये टेरपिन है एक्चुअली कछुए की स्पीसीज है, ये आपको ध्यान रखना है। नॉर्दर्न रिवर टेरपिन है ये कछुए की स्पीसीज है जो कि मेनली आप पूछते हो कि साउथ ईस्ट एशिया है उस वाले एरिया में पाए जाते हैं, मतलब इंडिया वाला एरिया भी इसमें इन्वेजिकली इंक्लूड है, इसीलिए यहाँ पे बात है वो की जा रही है।
इसके बाद में बात की जा रही है, एक है क्लाउडेड लेपर्ड। क्लाउडेड लेपर्ड आपको पता है कि रिसेंटली इसको रेड लिस्ट से वल्नरेबल में शामिल है, वो क्या कहता है यूपीएससी इसके बारे में पूछ सकती है। चलो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि वर्न होन जो राइनो है जो कि आसाम में पाया जाता है वो कौन सी लिस्ट में आता है यूसीएन की। काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। अब बात करते हैं एक तीसरी स्पीसीज जो है अरब सागर में जो व्हेल पाई जाती है वो, और चौथा वो है रेड पांडा। रेड पांडा आपको पता है कि नॉर्थ ईस्ट के एरिया में पाया जाता है, जो मेनली बम्बू वगैरह पेड़ होते हैं वहाँ पे, और उस लिस्ट में ये आता है कि एक्चुअली इंडेंजर्ड लिस्ट में आता है। तो इन चारों के बारे में आपको थोड़ा पता है वो यहाँ पे होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि NBW का क्या ये रिकवरी प्रोग्राम वगैरह है, इसको हम थोड़ा समझते हैं। देखो आपको एक चीज़ बताऊँ, गवर्नमेंट के द्वारा एक स्कीम लेके आई गई थी, पहले आप उसको समझिए तब ये सारा सीन आपको अच्छे से समझ में आएगा। गवर्नमेंट की एक स्कीम थी जिसका नाम था IDWH। IDWH का मतलब था इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। ये थी गवर्नमेंट की एक स्कीम। एक सेकेंड, इस स्कीम के तहत ही क्या था, इसके तीन पैरामीटर थे, आप बोल सकते हो इसके तीन पिलर थे या तीन भाग थे। तीन पिलर भाग कौन कौन से थे, एक तो थे प्रोटेक्टेड एरिया को सपोर्ट करना, बट इसमें ध्यान रखना प्रोटेक्ट एरिया में टाइगर जो रिजर्व है इसको काउंट नहीं किया गया था, जो कम्युनिटी रिजर्व वगैरह हैं उनको यहाँ पे शामिल किया गया। बस ये ध्यान रखना कि इसमें टाइगर रिजर्व वाला एरिया वो प्रोटेक्टेड एरिया में शामिल नहीं किया गया, क्योंकि टाइगर रिजर्व के लिए टाइगर रिजर्व का अलग सेक्ट है और उसके अलग से बॉडी बनाई गई है, इसलिए वो इसमें शामिल यहाँ पे नहीं है। दूसरा इसका काम था आउट वाइल्ड है वो एरिया, मतलब जो प्रोटेक्ट एरिया के अलावा भी कुछ एरिया में जंगली जानवर वगैरह रहते हैं, एनिमल्स वगैरह, तो उस वाले एरिया को प्रोटेक्ट करना है यहाँ पे। और तीसरा था वो था जो अभी हम देख रहे हैं रिकवरी प्रोग्राम को, क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि गवर्नमेंट का एक स्कीम थी जिसका नाम था इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम के तहत इसका एक हिस्सा था जिसका नाम है रिकवरी प्रोग्राम ऑफ क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज। और इस स्कीम ये जो स्पीसीज ये जो प्रोग्राम था, इस प्रोग्राम में अभी नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ ने क्या किया है, चार स्पीसीज को और ऐड किया है, तो इसमें टोटल 17 स्पीसीज हो गई हैं। तो आपको ये 17 की 17 याद तो नहीं करनी है, बट अभी न्यूज़ में था तो ये पता होना चाहिए कि है क्या ये प्रोग्राम। तो बस ये जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है इटा कोर्निया स्टार के बारे में। तो देख लेते हैं इटा कोर्निया स्टार है क्या। देखो इटा कोर्निया स्टार है वो एक्चुअली सन की तरह एक स्टार है जो कि सन की तरह ब्राइट है, चमकता हुआ रहता है, तो सेकंड ब्राइटेस्ट स्टार का इसको दर्जा बेसिकली दिया गया है। कंटेक्स्ट क्या है, सीन उसकी तरफ चलते हैं। नासा की एक आप बोल सकते हो टेलीस्कोप है जिसका नाम है न्यू स्टार, ये आपको ध्यान रखना है। न्यू स्टार के फुल फॉर्म वो है न्यूक्लियर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेलीस्कोप एरे, तो ये ध्यान रखना है कि नासा की मिशन की तहत है। न्यू स्टार के बारे में यूपीएससी पूछ सकते हैं कि न्यू स्टार मिशन किसका है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है, ये नासा का है, या फिर नासा और यूरोपियन दोनों का ज्वाइंट है। तो नहीं भैया, नासा का एक मिशन है। इसका काम क्या है कि जो हमारा स्पेस है, जो ब्रह्मांड है, उसमें कॉस्मिक रेज वगैरह है, इन सब के बारे में नई नई स्टडी वगैरह सब करना। तो अभी रिसेंटली क्या पता चला है, न्यू स्टार मिशन के तहत ये पता चला है कि ये जो ईटा कोर्निया जो स्टार है ना, इस स्टार से कॉस्मिक रेज बनती हैं या कॉस्मिक रेज प्रोड्यूस होती हैं जो कि हमारी अर्थ की तरफ आती हैं। और आपको पता है कॉस्मिक रेज में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी होती है, रेडियो एक्टिव होती है, क्या करती हैं ये हमारे जो भी सैटेलाइट सिस्टम वगैरह हैं इनको इफेक्ट करती हैं या इनको नुकसान पहुँचा देती हैं, मतलब इनको क्षतिग्रस्त कर देती हैं, वो ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए कॉस्मिक रेज हमारे लिए काफ़ी खतरनाक यहाँ पे हो जाती हैं। तो कंटेक्स्ट मैंने आपको बता दिया, इसलिए इंपॉर्टेंट है बस न्यू स्टार मिशन ध्यान रखना और ईटा कोर्निया स्टार क्या है वो देख लेना, बस हो गया हमारा काम। नेक्स्ट जो न्यूज़ हमारी आती है वो आती है ग्राम स्वराज अभियान के बारे में। ग्राम स्वराज अभियान है क्या, इसके बारे में देख लेते हैं। तो एक कैंपेन चलाया गया था गवर्नमेंट का जिसका नाम था सबका साथ सबका गांव सबका विकास। ये कैंपेन था ना, ये गवर्नमेंट ने चलाया, इसका मोटो क्या था, इसका मोटो यह था कि सोशल हारमोनी है उसको बढ़ाया जा सके, जो सोसाइटी में जो भेदभाव जैसी चीज़ें हैं इनको दूर किया जाए, इसके साथ लोगों को अवेयर किया जाए और वेलफेयर के जो काम हैं वो किया जाए। देखो सीधी सीधी बात ये थी कि गवर्नमेंट क्या चाहती है कि लोगों को कम्युनिटी के तरीके से अच्छे से ढंग से कम्युनिकेट करके रखा जा सके, एक साथ बॉन्डिंग में रहेंगे तो और ढंग से अच्छे से हमारी सोसाइटी है वो आगे बढ़ेगी। तो एक तरीके से सोशल हारमोनी को फैलाने के लिए या उसको आगे बूस्ट करने के लिए प्रोग्राम है या अभियान है वो स्टार्ट किया गया था। अब इसके तहत और क्या क्या हो रहा है, इसके तहत देखो गवर्नमेंट ने कुछ स्कीमें चलाई थी, नॉर्मली कुछ स्कीम है ये अलग से ही, और इन स्कीमों को भी क्या किया गया, गवर्नमेंट ये ग्राम स्वराज अभियान के तहत इनको गति दे रही है। क्योंकि ग्राम स्वराज अभियान के तहत जो मोटो क्या था इसका, एक तो मोटो यही है कि सब लोगों को साथ लेके चलना है, गांव में सब लोगों का विकास करना है और सब लोगों का ही मिलके गांव है, ये इसका बेसिकली मोटो है। तो इसमें क्या किया जा रहा है, इस ग्राम स्वराज अभियान में इसमें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, सौभाग्य योजना, उजाला स्कीम, प्रधानमंत्री जनधन आधार मोबाइल, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, और इसी के साथ ही इंद्रधनुष मिशन है, इन सब चीजों को इसमें साथ लेकर चला जा रहा है ताकि लोगों के बीच में सोशल हार्मोनी को बूस्ट है वो किया जा सके, लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाई जा सके और लोगों को एक साथ है वो रखा जा सके। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना कि ग्राम स्वराज अभियान है क्या, क्या कैंपेन वगैरह, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है।
नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो आई है माटाला एयरपोर्ट के बारे में। तो माटाला एयरपोर्ट है वो एक चूली है, आपको बता दूँ, श्रीलंका में। लोकेशन देख लेते हैं सबसे पहली बात, इसकी इंपॉर्टेंट वो होती है। ये आप यहाँ पे देख सकते हो श्रीलंका का मैप है, यहाँ पे हमारा प्यारा इंडिया है और इंडिया के जरिए श्रीलंका है। यहाँ पे ये बताइए कौन सी है, इसका नाम बताइए आपको, और ये इंडिया और श्रीलंका को कौन सी स्टेट है वो अलग अलग करती है, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में यहाँ पे बताना है। और इसी वाले एरिया में आपको ये बताना है कि सेंचुरी है, उसका नाम बताना है कि कौन सी सेंचुरी है। इस वाले एरिया में एक सेंचुरी है, काफ़ी इंपोर्टेंट, यूनेस्को की लिस्ट में शामिल है, उसका नाम आपको यहाँ पे बताना है। अब यहाँ पे बात करें, ये श्रीलंका हो गया, श्रीलंका में यहाँ पे तो होगा तुतीकोरिन, और ये होगा यहाँ पे हम्बनतोता। यहाँ पे देख सकते हो ये रहा हम्बनतोता, इसकी लोकेशन है मतलब श्रीलंका के साउथ वाले हिस्से की साइड, यहाँ पे हम्बनतोता है। अब इस वाले एरिया में क्या है कि एक सिटी है, सॉरी सिटी का एक एयरपोर्ट है जिसका नाम है माटला एयरपोर्ट, और उस एयरपोर्ट को भी क्या कर रही है इंडिया है वो डेवलप करने के लिए, मतलब इंडिया इसमें अपनी सर्विस है वो देने के लिए सपोर्ट है, वो स्टार्ट है, वो हो गई। तो ध्यान रखना माटला एयरपोर्ट है, यूपीएससी पूछ ली चाइना या श्रीलंका का है कैसे क्या, तो हमें ध्यान रखना कि नहीं भाई यहाँ पर इंडिया और श्रीलंका आ रहे हैं, हम्बनतोता में है, और एक्चुअली सबसे खाली रहता है नॉर्मली एयरपोर्ट, क्योंकि इसमें कोई भी प्लेन वगैरह बहुत कम ना के बराबर बेसिकली आते हैं। तो ये सब इन्फॉर्मेशन लोगों को काम की नहीं है, बस ये पता होना चाहिए माटला एयरपोर्ट इंडिया श्रीलंका हम्बनतोता में, बस काम खत्म। नेक्स्ट जो न्यूज आई है वो आई है नेस्कॉम के बारे में। कंटेक्स्ट ये है कि नेस्कॉम ने अभी क्या किया है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है डाटा साइंस के लिए बेंगलोर में, वो अभी ओपन किया है। तो अच्छे से समझते हैं क्या पहली बात, तो नेस्कॉम, नेस्कॉम का देखो मतलब है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, मतलब एक तरीके से कंपनीज हैं उनका एसोसिएशन है, एक ग्रुप मिलाया गया, बन के मिलाया गया है, मतलब काफ़ी सारी कंपनीज ने मिलकर इस ग्रुप का निर्माण किया है, ताकि उन जो कंपनी है वो इसके थ्रू अपने आप को रिप्रेजेंट वो कर सकें, या अपनी कोई भी बात नहीं रखनी हो तो वो इसके थ्रू अपने रख सकती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना कि नेस्कॉम है क्या, कोई गवर्नमेंट का कुछ नहीं है, ध्यान रखना आपको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहली बात ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है कि गवर्नमेंट का है कैसे क्या है भैया, तो ये भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। काम इसका ये है कि सॉफ्टवेयर और जो सर्विसेज हैं इसका जो ट्रेड है बिजनेस है इसको प्रमोट करना, तो ये इसका बेसिकली काम है। क्योंकि काम इसका नाम ही जैसे है कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, मतलब सॉफ्टवेयर और सर्विस कंपनीज हैं उनका ग्रुप है, तो ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी का काम यही होगा कि भाई ट्रेड सॉफ्टवेयर और सर्विस है उनको डिलीवर करना, तो इसके लिए ग्रुप है वो बनाए गए हैं। कंटेक्स्ट मैंने अभी आपको बताया कि इन्होंने क्या किया है, अभी एक डाटा साइंस या डाटा सेंटर ओपन करने की बात कही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए बेंगलुरु में। तो कंटेक्स्ट कुछ खास नहीं है, बस नेस्कॉम के बारे में पता होना चाहिए, वो हमने यहाँ पे देख लिया है। तो ये तो थी आज की हमारी न्यूज़, एक बार हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। हमने सबसे पहले एनजीटी के बारे में जाना, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में, जो कि 2010 के तहत स्टेचुरी बॉडी बन जाती है, इसमें 10 और 10 मेंबर होते हैं, 10 एक्सपर्ट मेंबर होते हैं, 10 यहाँ पे जुडिशियल मेंबर होते हैं, तो ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। इसके बाद में बात की जाती है श्रीलंका का एक मटाला एयरपोर्ट था जो कि हम्बनतोता में, उसको भी इंडिया है वो यहाँ पे डेवलप है वो कर रहे हैं। इसके साथ ही हमने देखा था कि नेशनल बायोडाइवर्सिटी जो नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ है उसका एक प्रोग्राम है जिसका नाम है रिकवरी प्रोग्राम फॉर क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज, उसमें 4 स्पीसीज को ऐड किया गया, एक तो कछुए की स्पीसीज है, एक यहाँ पे क्लाउडेड लेपर्ड है, तो वो आपको बताया कि हिमालय वाले एरिया में पाया जाता है। देखो हिमालय का जो तलहटी वाला एरिया है ना, मतलब हिमालय के नीचे वाला जो हिस्सा जहाँ पे जमीन मैदानी भाग स्टार्ट मिल जाते हैं और हिमालय स्टार्ट होता है, उस वाले एरिया को बोलते हैं तलहटी, तो उस वाले एरिया में क्लाउडेड लेपर्ड पाया जाता है। अरब सागर में जो पाए जाते हैं व्हेल, वो इसके साथ ही रेड पांडा जो कि नॉर्थ ईस्ट में सिक्किम अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। इसके साथ ही हमने देखा ईटाकोर ने जो स्टार है उससे कॉस्मिक रेज प्रोड्यूस होने की बात हुई है, नासा का एक मिशन है जिसका नाम है न्यू स्टार मिशन, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाद में हमने जाना ग्राम स्वराज अभियान है, उसका एक कैंपेन क्या है, ग्राम स्वराज अभियान का मोटो क्या है। इसके साथ ही हमने नेस्कॉम के बारे में जाना, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। तो ये तो थी आज की हमारी डिस्कशन, फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।